फाइनली दोस्तों 2023 में आप एंटर करने जा रहे हैं एंड 2023 में चाहता हूँ कि आप लोगों की लाइफ का सबसे बेस्ट समय हो। इस साल आपको बहुत कुछ अचीव करना है। इस साल आपको जो भी आपके आइडियाज़ थे, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे, मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए। बिकॉज देखते देखते साल निकलते जा रहे हैं, 2022 निकल गया, 1 निकल गया, देखते देखते समय निकलता जा रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने अपना 2023 के लिए रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे, आप लोगों ने अपने गोल सेट कर लिए होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से, जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं, जो भी आपका स्टार्टअप गोल है, आप किस प्रकार से उसमें ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइज। इस साल हमें मिलकर यार बहुत सी चीजें अचीव करनी है, हम सब लोगों को मिलकर यार बहुत कुछ बड़ा करना है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे से अपने लाइफ को ग्रो कर पाए। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपसे हम बात करेंगे कि आपको कोई भी स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना है, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज लर्निंग। सबसे पहले आपको लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को सीखेंगे। बिकॉज यार हम जितना सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करते जाएंगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो यार ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूँ कि 2023 में सबसे पहला आपको ये गोल सेट करना है कि यार जो भी बिजनेस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको उस बिजनेस के बारे में सीखना स्टार्ट करना है। अगर आप सॉन्ग प्रमोशन में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप खुद डालो, उसके बारे में सारी चीजें सीख लो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ग्रो होती है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन से टॉप कंपनीज हैं, ए टू जेड चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप नॉलेज लेंगे उस फील्ड के बारे में। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अब आपने नॉलेज तो गैदर कर लिया, अब आपको अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज होती है कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आप कंफ्यूज है कि यार स्टार्ट कैसे करूं, हाउ कैन आई स्टार्ट ऑन दोस थिंग्स। ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं, स्टार्ट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट रिक्वायर्स, बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन कैसे लोगे यार, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपने लर्निंग की, लर्निंग करने के बाद में अपने आइडियाज को कॉपी पे लिखो, अपने गोल्स को एक पेपर पे लिखो। जब तक आपके गोल्स पेपर पे नहीं है तब तक वो जस्ट एक विश है, वो गोल नहीं है, वो आपकी एक विश है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज अचीव करनी है। ऐसे काम नहीं चलने वाला दोस्तों, आपको अचीव नहीं करना, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। आपको अपने हर चीज को ना ऐसे लिखना है कि आई हैव टू अचीव दिस, मुझे ये चीज़ करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस चीज़ को अचीव करके दिखाना है। ये आपका गोल होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाएंगे। आपको अपने गोल्स को, अपने बिजनेस प्लान्स को पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देना है कि ये मेरा प्लान है, ऐसे ऐसे मैं ये सारी चीज़ों को करूँगा। सबसे पहले ना कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आप बोलोगे कि यार वो लोग पेपर पे बनाते हैं उसके बाद में वो लोग उसको बना देते हैं। नहीं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट आपके पेपर पे बनता है, उसके बाद वो रियलिटी में एग्जीक्यूट होता है। तो कोई भी अगर आपके पास में बिजनेस प्लान है, ये तीन स्टेप के ऊपर हमें काम करना है। फर्स्ट स्टेप इज पहले आपको ब्रेन पे क्लियर करना है, सेकेंडली आपको उसको पेपर पे क्लियर करना है, थर्डली आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हमने दोनों चीजें कर ली है, दो पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया, लर्निंग देन योर गोल सेटिंग, मतलब आपको पहले लिखना है सारी चीजें। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डोमेन खरीदो, आप गोडैडी पे जाओ, गोडैडी पे जाके आप अपना एक डोमेन बाय कर सकते हो, जो भी आपका बिजनेस का नाम आपको चूज करना है। आज की डेट में AI बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। आप AI से नाम जनरेट कर सकते हैं, AI से आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने बिजनेस का नाम फाइनल करना है एंड आप जाके उससे डोमेन को आप बाय करें।
ठीक है, गोड आईडी से आपको उसका डोमेन आप बाई कर सकते हैं या होस्टिंगर यूज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसका डोमेन बाई करेंगे, देन उसका होस्टिंग बाई करेंगे, एंड उसके बाद में आप उसकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आपके बिजनेस को अगर आप डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो आपका प्रेजेंटेशन जो आप किसी के सामने करेंगे उसके लिए वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको उसका वेबसाइट बनाना है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई हमने वेबसाइट भी बना ली, सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब हमारा काम है कि इस बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपको अपने टीम में कुछ लोगों को आप हायर कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसमें आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लोगों को हायर नहीं करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्टार्ट पुशिंग योर बिजनेस आउट। आप क्या करेंगे, आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अच्छे तरीके से अपने बिजनेस के पेजेस बना लेंगे, अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद आप क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, हाउ यू कैन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपर एक सीरीज बनाई है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो डिजिटल मार्केटर्स है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखे हैं, उन लोगों को मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ उस सीरीज के अंदर में। ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डीप नॉलेज, और वो भी ऐसे लोगों से जिन लोगों ने उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। हमारे जो भी लोग हमारे चैनल पे आते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते जिन लोगों के पास में खाली थ्योरेटिकल नॉलेज है, ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों के अंदर में प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन लोगों ने प्रैक्टिकली उस चीज को करके देख रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज को पूरा देखे, उस सीरीज से आप बहुत सी चीजें सीख जाएंगे कि किस प्रकार से बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर से ध्यान रखना है। आपको अपने क्लाइंट के लिए पिच डेक बनाना है, आपको अपने क्लाइंट के लिए कंपनी का डेक बनाना है, आपको कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पहले से अपने टेम्पलेट्स रेडी रखना है। ये सारे बिजनेस के कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको हमेशा आपके पास में अवेलेबल रहना चाहिए। कुछ कुछ आपके पास में बिजनेस के एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ NDAs होते हैं, जो कोई भी क्लाइंट अगर आपके साथ काम करना चाहता है तो उससे पहले वो चाहेगा कि वो NDA साइन करें। अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको आप छोड़ना चाहते तो उसके लिए भी आपको लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके वो सारे जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपके लिए ये चीज कर सकता हूँ। इस चैनल पे हम सारी चीजें कवर करेंगे, कैसे आप एजेंसी को स्टार्ट करोगे, ग्रो करोगे, स्केल करोगे, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, एग्रीमेंट्स कैसे मिलेगा, A to Z हम इसके अंदर में सब कुछ कवर कर देंगे। तो हमारी सीरीज को आप पूरा देखें, उस सीरीज में आप सीखेंगे, आप सारे कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपका काम ये रहेगा कि आपको क्लाइंट्स को पिचिंग करना स्टार्ट करना है, क्लाइंट्स आपके पास में धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने कुछ क्लाइंट्स के लिए काम किया, इनिशियली कम पैसे पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक मनी। आप इनिशियली कम पैसों में काम कर सकते हो, लेकिन जब आप कम पैसों में काम करोगे तो आप अपने क्लाइंट से एक टेस्टिमोनियल वीडियो मांगो, उस वीडियो को आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, वेबसाइट पे वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि यार आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ में काम कर रखा है। तो इस तरीके से एक आइडिया को आप स्टार्ट करके आप ग्रो करोगे, आपके पास में कुछ टेस्टिमोनियल्स आएंगे, उसको आप वेबसाइट में लगाओगे, बोलोगे कि यार मुझे कुछ रेफरेंस आप अगर दे सकते हैं तो कुछ रेफरेंस ले सकते हो आप अपने क्लाइंट से, और ऐसे धीरे 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 करके आप अपनी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश किया कि एक मैं पूरे ब्लूप्रिंट आपको बता पाऊँ कि क्या स्ट्रक्चर रहता है एक कंपनी को ग्रो करने का। लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा लाइक फियरफुल रहते हैं कि यार कैसे होगा क्या होगा, लेकिन स्टार्ट करोगे तो सब कुछ होगा। द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दैट इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।